ये देखिए गाइस, आलू बुखारे। वाह, बहुत राज जी तो इतना खट्टा था कि मैं खा भी नहीं पाया। हमारे व्यूअर्स को बताओ कैसा मौसम है आज। बहुत अच्छा। हाँ, डरता है नहाने से? नहीं भाई, डरता तो नहीं हूँ, ठंड लगती है। ठंड लगती है? ओ कितने बड़े बड़े टीथ हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज सुबह सुबह का मौसम भद्रा का बहुत ही ज्यादा मजेदार है, जबरदस्त है, क्योंकि आज धूप नहीं है और ठंडा मौसम है, बिल्कुल मजे वाला। तो अभी मैं पीछे आया हुआ था, पीछे कुछ काम था, आई थिंक कुछ कार्ड वगैरह चाहिए थे, तो डॉक्यूमेंट पीछे थे तो वो ले लिए हुए हैं। और अभी मैं पीछे यहाँ पे आया हूँ आलू बुखारे खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आलू बुखारे देखे थे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आया मधुमक्खी का छत्ता। छत्ता मतलब ये देखिए, ये है मधुमक्खी के ढोल की। तो यहाँ पे ये लगाई हुई है, लेकिन अब हमारा जो आलू बुखारा वहाँ पर है, तो मुझे यहाँ से जाना है इस मधुमक्खी के छत्ते से नीचे से निकलते हुए। तो अब चोरी चोरी जाना पड़ेगा छुप के। हाँ, फिलहाल तो मधुमक्खी ने कुछ बोला नहीं है। और गाइस, आपको आज आलू बुखारे दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो हमारे घर पे लगे हुए आलू बुखारे, ये देखिए गाइस, आलू बुखारे। वाह, ये देखिए लाल लाल हो रहे हैं अभी, तो आई थिंक इतने पके नहीं है, ऐसी इसी तरीके से ऊपर भी लगे हुए हैं पेड़ पे। लेकिन चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है अभी। गाइस, अभी खट्टा मीठा है, अभी सीधा पके नहीं है ना, इसलिए खट्टे मीठे हैं। इसमें देखते हैं कोई। राय जी तो इतना खट्टा था कि मैं खा भी नहीं पाया। बाकी आलू बुखार लगे हुए हैं, उसको अभी टाइम लगेगा, काफी खट्टे हैं अभी, रेड रेड कलर के हो गए, लेकिन अभी भी खट्टे हैं। फिलहाल मुझे इनसे भी डर लग रहा है, मधुमक्खियों से, कहीं ये ना अटैक कर दे मेरे पे। झुक के जाना पड़ेगा गाइस। गाइस इनका ऐसे तो फिलहाल ये कुछ कैसे करती नहीं है, लेकिन इनका कुछ पता भी नहीं रहता, तो इसीलिए। बाकी हमारे रोज आज लगना स्टार्ट हो चुके हैं, देखिए रोज वगैरह लगना स्टार्ट हो चुके हैं। बस बाकी चलते हैं आगे, मौसम काफी ज्यादा अच्छा है, तो आज हम बाहर कुछ कामकाज करेंगे मजे से, ठीक है? तो पहले चलते हैं आगे, मक्खियां भी दिखाते हैं वो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। देखिए यहाँ से, ये देखिए। तो गाइस, मक्खियां भी देखिए हमारी कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं अभी, जो मैंने लगाई हुई हैं, तो अच्छा है, मक्खियां वगैरह अच्छा हो गई हैं। बाकी का सामने का व्यू भी दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। आज बादल किस तरह से पहाड़ दिख रहे हैं दूर दूर के थोड़े बहुत। बाकी ये देखिए जंगल हमारा, तो चलते हैं आगे, मम्मी से मिलते हैं। तो मम्मी, क्या हाल चाल है आपके? अभी ठीक हूँ मैं। ठीक हो गए हो? अच्छा, और कैसा मौसम आज? आज ठीक है? अच्छा, आज बाहर बैठे हो आप? धूप नहीं है। हमारे व्यूअर्स को बताओ कैसा मौसम आज? बहुत अच्छा। इतना अच्छा है कि बाहर बैठे हम, इतना अच्छा मौसम है। अच्छा, ते बस ये मौसम आज धूप नहीं है, तो इस खड्डे का काम करते थे थोड़ा सा। खड्डे का काम? थोड़ा सा काम। तो गाइस, आज मम्मी कह रहे हैं खड्डे का काम करना आज हमने। बाकी ये खट्टा देखिए किस तरीके से हो गया हुआ, धूप नहीं है तो आज हम कर भी सकते हैं, अदरवाइज जब धूप होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कुछ काम काज करने का मन ही नहीं करता। और ब्रूनो ने देखो कल क्या किया था, गेस्ट आए हुए थे, उसे पूरा ये खराब कर दिया था, तो मैंने धो दिए हुए हैं अपनी कालीन वगैरह जितनी भी थी। बाकी खड्डे में फ्लावर्स देखो कहाँ पे लगे हुए हैं खड्डे के पास, तो आज हम खड्डे का भी काम करेंगे। और मौसम अच्छा है तो इन्जॉय भी करेंगे। शाम का टाइम है, मौसम भी अच्छा है, और बस मैंने कहा चलो कर लेते हैं अभी। पापा फिलहाल खड्डे के अंदर गए हुए हैं, देखिए आप, और इस खड्डे को बराबर कर रहे हैं चारों तरफ से, और मैं यहाँ पर हूँ, मैं जो मिट्टी है पापा भर के देंगे और मैं नीचे से मिट्टी निकालूंगा, इस तरीके से दोनों का मतलब काम हो जाएगा, मिट्टी को बाहर निकालना है हमें। तो ये देखिए पापा भी खोद रहे हैं नीचे, तो उसको पूरा बराबर करना है लेवल उसका, और जो साइज होता है आई थिंक जो साइज है इसका 8x8 या 8x9 ऐसा कुछ साइज रखेंगे नीचे का एरिया, तो उसको बराबर कर रहे हैं, और ये काम अभी कर रहे हैं हम, तो दिखाते हैं साथ साथ में आपको भी।
तरीके से मिट्टी अभी निकाल रहे हैं खड्डे में से बाहर, और ये फिनिश करना है, इसको बराबर करना है। तो यहाँ से आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, ये देखिए पापा भी नीचे हैं, और इसको पूरा लेवल बराबर करना है। बाकी ये फिनिश करके फिर मिलते हैं। मम्मी हमारे कुछ कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं? मैं सब्जी काट रही हूँ। अच्छा, आज डिनर आप बना रहे हो? अभी देखो फलियां की सब्जी बना रहे हैं, घर की सब्जी है ये। अच्छा ठीक है, बनाएंगे आज फलियां की सब्जियां। ठीक, शट्ठू जिसे हम बोलते हैं, जिसको शट्ठू लगाया था हमने जो था। उन लोगों को नहलाने वाले हैं, उनकी काफी टाइम से वो खारिश हो रही थी, उसे नहाया भी नहीं था, तो आज धूप निकली हुई अच्छी, तो मैंने कहा चलो उसको नहला देते हैं। लेकिन ये आपको पता है नहाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है, छुप गया वहाँ पे। बड़ी मुश्किल से हमने उसको बांधा हुआ, पानी टब में तैयार किया दिया, साबुन और दवाई इसके लिए, और इसको फ्लीस और टिक्स वगैरह, टिक्स तो नहीं है, फ्लीस थोड़ी थोड़ी सी है उसको, जिस वजह से खारिश करता है और रात भर तंग कर देता है, और इसको भी तंगी होती है, हमें भी उठा देता है, तो अभी हम इसको नहा देते हैं। तो वरुण सिंह तो देखिए गाइस कैसे नहाने के टाइम पे क्या हो जाता है इसको। उड़ जा वरुण, चल कुछ नहीं होता, उड़ जा तू तो हमारा शेर है, शेर सिंह। तो वरुण हमारा नहाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, देख रहे इधर कैमरे में। ओ देखो गाइस कितना मासूम बना हुआ, अभी कितने उससे देख रहा है, नाक देखो फिर कैसी हुई है। नहाने से डरता है तू क्या? हमारे व्यूअर्स को बता, डरता है नहाने से? नहीं भाई डरता तो नहीं हूँ, ठंड लगती है। ठंड लगती है, चल फिर अभी धूप है ना, अभी नहीं लगेगी ठंड, उठ जा चले फिर, ठीक है? उठ जा टीथ देखा हमारे व्यूअर्स को कैसे हैं तेरे? देखिए गाइस के टीथ, ओ ये देखिए टीथ तो वाइट है, इसके ब्रश करने की जरूरत नहीं है, देखिए ओ कितने बड़े बड़े टीथ हैं। तो चलो अब ब्रोनो को हम नहलाते हैं फटाफट, क्योंकि इसको वैसे भी शिवरिंग पहले लग पड़ती है, क्योंकि अभी नहाया होता नहीं है और शिवरिंग पहले स्टार्ट हो जाती है। पानी हमने रख दिया, वो पानी फिलहाल गर्म है, और शैम्पू और दवाई बस यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बस 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 थोड़ी सी और हो जाए। इस ब्रोनो को बड़ी मुश्किल से ले आए, लेकिन जब ये नहाने लग जाए तो फिर ये नहाने देता है अच्छे से। बड़े मजा है ना, थोड़ा और थोड़ी आगे घास पे, घास पे अच्छा मजा है, नो टेंशन लेते, कुछ नहीं होता, मजा होता है, थोड़ा आगे हो जा। मोबाइल गिर गया नीचे। ब्रूनो को ऐसे नहलाया, खड्डे काम किया, और अभी डिनर का टाइम हो गया हुआ है, 9 बज चुके हैं, और मम्मी अंदर बुला रहे हैं कि आजा खाना खाने के लिए, और बस अब खाना वगैरह खाते हैं। तो बाकी आज का व्लॉग हम भी खत्म करते हैं, मिलते हैं इसी तरह के ऐसे कुछ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे भारत।